हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दीपो के पर्व दीपावली पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, कहा सभी के जीवन में हो उजाला यही है कामना। 1.5 करोड़ की लागत से तैयार 10 बेड के डायलिसिस केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण, कहा अब गुर्दा पीड़ित मरीज करा सकेंगे निशुल्क डायलिसिस। एसएसपी ने जनपद वासियों को दी धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं, कहा हंसी खुशी मनाए दिवाली, बच्चों को रखे पटाखों से दूर। दीपावली पर्व के मद्देनजर डीएम ने दिया निर्देश, कहा बिना लाइसेंस के नहीं बिकेगा पटाखा, कहा एसडीएम रखे दुकानों पर नजर। पूर्व प्रधान के पुत्र का हत्यारोपी 50,000 का इनामी शातिर अपराधी ग्राम प्रधान राजू यादव चढ़ा पुलिस की हत्ये, एसएसपी ने किया खुलासा। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चैनी टेराकोटा शिल्पियों ने इंदिरा बाल विहार में लगाया दीपावली मेला, 5 नवंबर तक लोग खरीद सकते हैं मिट्टी से निर्मित दिए और बहुउपयोगी सामान। सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटने वाले 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने कहा 2 फरार अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत 1 नवंबर को भ्रष्टाचार उन्मूलन में कर्मचारियों का योगदान विषय पर एक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गोला थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, एसएसपी ने कहा आशनाई में हुई थी युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। धरोहर के रूप में स्थापित TB6 नैरोगेज वास्ट रेल इंजन का परिवर्तित चालित अवस्था का पटन दबाकर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने किया शुभारंभ। और भौतिकी विभाग में आयोजित हुई फ्रेशर पार्टी, एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को दी गई विदाई।